Welcome back to Academy of Biology and it's me Sachin Antil. So guys, today we are going to start with a new chapter of human physiology, that is body fluids and circulation. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके हैं उनको डिटेल स्टडी उनके हम करने वाले हैं. वी वॉन्ट लीव अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम द एनसीईआरटी टू बी अनटच्ड. एनसीईआरटी में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा. हम सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि यार हमें सर्कुलेशन की जरूरत क्यों है. तो अगर बात की जाए सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए. वी नीड सर्कुलेशन फॉर ट्रांसपोर्ट. देन अगर बात की जाए कि यार ये ट्रांसपोर्ट भी किस चीज का होता है, तो पर्टिकुलरली वी नीड सर्कुलेशन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें सर्कुलेशन की जरूरत है. गैसेस में भी पर्टिकुलरली आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देन न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें सर्कुलेशन चाहिए फॉर न्यूट्रिएंट्स. देन फॉर वेस्ट एंटीबॉडीज एंड अदर सब्सटेंसेस अदर थिंग्स. तो ये सब कुछ पर्टिकुलरली ऐसी चीजें हैं जिनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है या फिर सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है. तो अब दिमाग में ये भी चीज आएगी कि ट्रांसपोर्ट के लिए तो हमें चाहिए, बट ये जो ट्रांसपोर्ट इन चीजों का वो हमें क्यों इंपॉर्टेंट है. तो अगर बात की जाए जो ये आपका इन चीजों का ट्रांसपोर्ट है, दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस थिंग्स हेल्प्स इन रेगुलेटिंग हीमोस्टेसिस. तो इन सब चीजों का जो ट्रांसपोर्ट है वो हेल्प करता है इन द रेगुलेशन ऑफ हीमोस्टेसिस. वो आपका हीमोस्टेसिस में हेल्प करता है आपकी. हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करके रखना ही आपका हीमोस्टेसिस है. तो आपकी बॉडी में रेगुलेशन ऑफ हीमोस्टेसिस के लिए आपका ट्रांसपोर्ट चाहिए, जिसमें आपका आता है पर्टिकुलरली आपकी बॉडी की पीएच मेंटेन करके रखना, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, और जो आपकी बॉडी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना. तो इन सब चीजों के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. फिर ये तो पता चल गया कि इन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, और इन चीजों के लिए ट्रांसपोर्ट होता है कि ताकि बॉडी में आपका हीमोस्टेसिस रेगुलेट हो सके. फिर बात आती है कि ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में मीडियम क्या प्रेजेंट है. देन द नेक्स्ट थिंग इज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, देन वी हैव टू चीफ फ्लूइड्स दैट एक्टिंग एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. तो इसमें आपके पास एक तो है आपका ब्लड और दूसरा है आपका लिम्फ. तो जो आपके ब्लड और लिम्फ है, ये दोनों फ्लूइड आपकी ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन का काम करते हैं. दोनों को हम बारी बारी अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट शुरू करते हैं आज ब्लड से. तो ब्लड क्या है? ब्लड आपका है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. देखो अगर बात की जाए ब्लड की पीएच की, द पीएच ऑफ ब्लड इज स्लाइटली एल्केलाइन. इसकी पीएच होती है स्लाइटली एल्केलाइन, जो कि आपकी होती है नियर अबाउट 7.4. एंड द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हिमेटोलॉजी. ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी. तो आज हम सिर्फ ब्लड को अच्छे से देखने वाले हैं कि जो आपके ब्लड आपका जो ब्लड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, और उन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आपके फंक्शनिंग क्या है बॉडी में.
तो देखो जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, जो आपकी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में जो आपका ओवरऑल फ्लूइड्स का जो वॉल्यूम होता है उसका 8% आपका ब्लड होता है। ब्लड कितना होता है आपका? ब्लड इज 8% ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी फ्लूइड। जो आपका ब्लड की वॉल्यूम होती है वो आपके टोटल बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम का 8% होता है। अगर बात की जाए एक हेल्दी इंडिविजुअल की, तो उसमें नियर अबाउट 5.5 लीटर ब्लड होता है, 5.5 लीटर ब्लड, तो इतना आपका ब्लड मौजूद होता है। रेस्ट ऑफ द फ्लूइड्स आर 92% अदर बॉडी फ्लूइड्स। तो जो आपकी बॉडी में बाकी जो फ्लूइड्स होते हैं वो होते हैं आपके 92%। तो यही से आपकी ब्लड की कहानी शुरू होती है कि जो आपका ब्लड है वो आपके बॉडी फ्लूइड्स के टोटल का 8% होता है। देन अगर बात की जाए ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, देन द ब्लड कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज ब्लड प्लाज्मा, एक तो इसमें होता है आपका ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर जिनको हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो ये दो चीजें होती है आपके ब्लड में जो आपका कंप्लीट ब्लड फॉर्म करती है। अगर बात की जाए ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका 55% पार्ट ऑफ द ब्लड, और जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं दीज आर 45%, ये आपके 45% होते हैं। देन अगर बात की जाए आपका ब्लड प्लाज्मा होता है जो, उस ब्लड प्लाज्मा में भी क्या क्या मौजूद होता है, तो ब्लड प्लाज्मा में फर्स्टली होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स, देन जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं दीज आर नियर अबाउट 7%। देन नेक्स्ट इज योर वॉटर। जो सेकेंड थिंग होती है आपके जो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती है वो होती है वॉटर, जो कि होता है आपका नियर अबाउट 91 to 92%। एंड द थर्ड थिंग इज अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस, और जो बाकी की चीजें होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है नियर अबाउट 1%। तो ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा आपका वॉटर का अमाउंट प्रेजेंट होता है। फिर जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उन प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी आपके कौन से प्रोटीन्स होते हैं, उसमें आपके होते हैं तो एल्ब्यूमिन्स, विच कॉन्स्टिट्यूट नियर अबाउट 54% ऑफ द ब्लड। देन नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन्स, विच आर नियर अबाउट 38%। देन थर्ड इज फाइब्रिनोजेंस, फाइब्रिनोजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 7% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये तीन चीजें होगी, और जो बाकी के अदर प्रोटीन्स होते हैं, अदर प्रोटीन्स वो होते हैं आपके नियर अबाउट 1% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये कहानी होगी आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स की। फिर बात आती है आपके अदर सब्सटेंसेस में, तो जो आपके बाकी के जो सब्सटेंस होते हैं उसमें आपके क्या क्या होते हैं। फर्स्टली एक तो आपके होते हैं न्यूट्रिएंट्स, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, थर्ड आपका होता है वेस्ट,
बॉडी वेस्ट जो होता है आपका, देन उसके बाद अदर सब्सटेंसेस जिसमें आपकी गैस वगैरह भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लड प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी उसके पार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज आती है वो है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो देखो जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर 45% ऑफ द ब्लड, या आपके टोटल ब्लड वॉल्यूम का 45% होते हैं। इसमें भी हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं आपकी प्लेटलेट्स या फिर जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपकी जो प्लेटलेट्स होती है वो कितनी होते हैं, दीज आर नियर अबाउट, सॉरी दिस इज 3.52, आई थिंक प्लेटलेट्स आर नियर अबाउट 1.5 to 4 lakhs, 4 lakh पर mm ऑफ क्यूब। तो आपकी प्लेटलेट्स होती नियर अबाउट 1.5 lakh to 4 lakh इन पर mm ऑफ क्यूब। तो इतनी आपकी प्लेटलेट्स होती। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है आपकी आरबीसी, जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स। तो दूसरी आपके ब्लड में आपकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनमें ये चीज प्रेजेंट होती है। तो जो आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो कितने होते हैं, दीज आर नियर अबाउट 5 to 5.5 million पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, ये आपके ब्लड में इतने होते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड चीज आती है वो है आपके WBC या फिर जिनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो जो आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं, देखो इन कंपैरिजन टू द आरबीसीज, ल्यूकोसाइट का अमाउंट आपकी बॉडी में काफी कम रखा जाता है, जो कि होते हैं नियर अबाउट 6000 से 8000 पर mm ऑफ क्यूब, ये आपके ब्लड में सिर्फ इतने प्रेजेंट होते हैं। देखो इसका रीजन भी मैं आपको समझाता हूँ। जो आपके आरबीसी होते हैं इनमें हीम पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर रेड होता है। और जो आपका हीम पिगमेंट है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज। जो आपकी रेस्पिरेटरी गैसेज होती है ऑक्सीजन और CO2, उनका ट्रांसपोर्ट आपका आरबीसी से होता है। तो देखो अगर आरबीसी को हम काउंट को हम कम कर दें और WBC के काउंट को बढ़ा दें, तो जो आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया गया, जो आपका आरबीसी का काउंट है उसको तो अच्छा खासा रखा गया है, और जो आपका WBC का काउंट है उसको काफी कम रखा गया है। जब आपकी बॉडी में किसी तरह की सिकनेस इलनेस होती है तो उन कंडीशंस में क्या होता है, आपका WBC का काउंट इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक की कहानी। देखो जो आपके आरबीसी होते हैं इनका मेनली फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और जो आपके WBCs हैं इनका मेनली फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म। आपकी बॉडी में जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपका WBC की वजह से ही होता है। फिर देन नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है आपकी जो आपके WBC होते हैं, ये आपके होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट इज ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड द सेकंड वन इज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो जो आपके WBC होते हैं, दीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो आपके जो ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं उसमें आपके आते हैं फर्स्ट इज
न्यूट्रोफिल्स, देन सेकंड इज इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड द थर्ड इज बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दीज आर नियर अबाउट 60-65% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। जो आपके इओसिनोफिल्स होते हैं, दीज आर नियर अबाउट 2-3%। एंड जो आपके बेसोफिल्स होते हैं, इनका अमाउंट काफी कम होता है, 0.5-1%। देन इसके बाद जो आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, दीज आर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स आपके दो हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, दीज आर नियर अबाउट 22-25%। एंड जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं, दीज आर 6-8%। फिर देखो, जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये भी आपके दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये आपकी दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। फिर देखो, जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं और जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये मैं यहां लिख देता हूं इसके बारे में, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स कैसे होते हैं आपके, फेगोसिटिक। दीज आर फेगोसिटिक। जो भी बाहर से फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करेगा, उनके खिलाफ आपके न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट एक्शन लेंगे एंड दे विल शो फेगोसाइटोसिस, ये फेगोसाइटोसिस शो करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज आती है, जो आपके इओसिनोफिल्स होते हैं, जो आपके एक सेकेंड इसको करते हैं रेड कलर से, इओसिनोफिल्स होते हैं, तो जो आपके इओसिनोफिल्स होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड इन एलर्जिक रिएक्शंस, ये आपके एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं एंड दे प्रिवेंट इन्फेक्शंस और ये आपके इन्फेक्शंस को रोकते हैं। देन उसके बाद जो आपके बचते हैं वो हैं आपके बेसोफिल्स। तो जो आपके बेसोफिल्स होते हैं, दे सीक्रेट थ्री थिंग्स, ये आपकी तीन चीजें सीक्रेट करते हैं, फर्स्ट इज हेपेरिन। जो आपका हेपेरिन होता है, इट इज अ ब्लड थिनर या फिर जिसको हम बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट, जो ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है। तो ये आपका हेपेरिन है जो बेसोफिल सीक्रेट करते हैं। देन सेकंड थिंग इज हिस्टामिन। जो आपका हिस्टामिन होता है, इट इज इंफ्लामेटरी इन नेचर, ये आपका इंफ्लामेटरी होता है, इंफ्लामेशन कॉज करता है। एंड द थर्ड थिंग इज सेरोटोनिन। जिसको बोला जाता है सेरोटोनिन इज हॉर्मोन ऑफ वेलनेस। यानी कि जो आप हैप्पीनेस फील करते हैं, जो आपका अच्छा मूड होता है, वो आपका सेरोटोनिन की वजह से होता है। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स तो आपके होते हैं फेगोसिटिक, इओसिनोफिल इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, बेसोफिल आपकी तीन चीजें सीक्रेट करता है, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हेपेरिन इज एंटी कोएगुलेंट, हिस्टामिन इज इंफ्लेमेटरी एंड सेरोटोनिन इज अ हॉर्मोन ऑफ वेलनेस। देन इसके बाद जो आपके दो चीजें आती हैं, जो आपके लिम्फोसाइट्स आते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स।
दीज आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्सेज, ये इम्यून रिस्पॉन्स करवाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखो इसी के साथ हमारा जो बेसिक आपकी जो ब्लड की कंपोजिशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। फिर इसमें जो एक दो चीजें रहती वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। तो जो आपकी प्लेटलेट्स होती है जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, द प्लेटलेट्स और द थ्रोम्बोसाइट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ये आपकी मेगा कैरियोसाइट से फॉर्म होती है। द मेगा कैरियोसाइट्स आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स और वी कैन से स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन बोन मैरो, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। मेगा कैरियोसाइट आपके कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं जिनसे आपकी प्लेटलेट्स फॉर्म होती है। देन अगर बात की जाए प्लेटलेट्स के फंक्शनिंग की, दे सिक्रीट, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं दे सिक्रीट कोएगुलेशन या फिर क्लोटिंग फैक्टर्स तो ये दो ये आपकी सिक्रीट करती है कोएगुलेशन फैक्टर्स या फिर जिनको हम बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। तो जो आपकी प्लेटलेट्स हैं उनका मेन रोल होता है ब्लड क्लोट फॉर्म करने में। तो ये हो गया आपका प्लेटलेट्स। देन सेकंड थिंग इज आरबीसी। तो देखो जो आपकी आरबीसी होती है जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इनमें क्या होता है प्रेजेंस ऑफ हीम कंपोनेंट, हीम पिगमेंट। इनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीम, हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन यानी कि हीम पिगमेंट की वजह से इनकी कलरेशन रेड होती है। और जो आपकी आरबीसीज होती है दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये आपकी बोन मैरो में फॉर्म होती है। देन जो आपकी आरबीसी की शेप होती है दीज आर बाई कॉनकेव इन शेप, ये बाई कॉनकेव होती है एंड न्यूक्लियस एब्सेंट, इनमें आपका जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। ये आपकी मेमेलियन आरबीसी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई। देन फॉर्म आपकी बोन मैरो में होती है दीज आर डेस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ये आपकी डिस्ट्रॉय होती स्प्लीन में। और स्प्लीन को एक दूसरा नाम दिया गया है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो कि है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का कब्रिस्तान हम इसको कह सकते हैं। तो ये आपका ब्रीफ हो गया आरबीसीज के बारे में। एंड एक चीज और जो बच जाती है वो इनका लाइफ स्पेन, इनका जो लाइफ स्पेन है वो है 120 डेज का, 120 डेज का, ठीक है। देन जो बात की जाए अगर आपकी डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी का नंबर आपका काफी कम होता है, नंबर में कम प्रेजेंट होती हैं। एंड सेकंड थिंग इज शॉर्ट लाइफ स्पेन, इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन। एंड दीज आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ये आपकी बॉडी की डिफेंस में हेल्प करती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो ये उसको किल करने का काम जो होता है वो आपकी डब्ल्यूबीसी करती है। तो गाइज इसी के साथ जो आपका ब्लड की कंपोजिशन वाला पार्ट है वो अच्छे से फिनिश होता है। देन एक चीज और देखो, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज ब्लड, दूसरा जो इसका पार्ट है वो है
ब्लड वेसल्स एंड द थर्ड इज हार्ट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिलके बनाती हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये चीजें मिलके आपका सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिसमें से हम ब्लड को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे आपकी ब्लड वेसल्स को। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है ब्लड वाला। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी विल मीट, वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आपके पास है वेन्स, आर्टरीज, और जो थर्ड थिंग है वो है आपकी कैपिलरीज। From the next time we will start with the blood vessel. So thank you for watching me carefully and stay tuned for the next one. If you have any doubt regarding any of the topics that we have discussed previously, then you can ask me in the comment section. I will surely give you the best solution that can I provide you. So thank you again and stay tuned for the next one.